श्री राम समर्थ जून 21। भाव न हो तो परमार्थ नहीं होता। गृहस्थी में जैसे पैसे की जरूरत होती है, वैसे परमार्थ में भाव आवश्यक होता है। गृहस्थी पैसे के बिना करना संभव नहीं, परमार्थ भी भाव के बिना नहीं होता। जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसी तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। प्रह्लाद को खंबे में भगवान मिले तो संत नामदेव ने पत्थर की मूर्ति को भी भोजन कराया। तुम सबको उस गोपी की बात मालूम होगी ही, वह गोपी श्री कृष्ण को भोजन कराना चाहती थी लेकिन उसका पति उसे जाने नहीं देता था। इस पर वह बोली कि मेरी यह देह तुम्हारी है लेकिन मेरे मन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और ऐसा कहकर अपनी देह पति के पास छोड़कर वह श्री कृष्ण के पास पहुंच ही गई ना। उसी प्रकार हमें परमार्थ में हमारा भाव होना जरूरी है, लेकिन हमारे केवल ऐसा कहने से क्या लाभ। हम जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्व साक्षी हैं, फिर भी क्या हम पाप करने से डरते हैं। यदि हमें सचमुच लगता है कि भगवान हमें देख रहा है तो क्या हमसे कभी पाप होगा। लेकिन हमें वैसा लगता नहीं। हम जैसे आस्तिक को भगवान चाहिए लेकिन केवल अपनी सुविधा के लिए, यानी गृहस्थी तो हमें चाहिए ही और फिर उसमें भगवान भी होगा तो अच्छा। जबकि इसके विपरीत यह लगना चाहिए कि भगवान तो हमें चाहिए ही और फिर उसमें गृहस्थी भी हो तो ठीक है। हमें गृहस्थी की लालसा न हो, उसमें जो कर्तव्य भावना है उसकी लालसा हो। देह से कर्तव्य करे और मन से मात्र भगवान का अनुसंधान करे। जो बात हमारे मन को क्लेशदायक होती है वह न करे। ऐसा करने से हम विकारों पर कुछ अंश में काबू पा सकेंगे। भगवान हमें देख रहे हैं इस दृढ़ भावना से यदि कोई कृति करते हुए हमें शर्म नहीं आएगी, ऐसी ही कृति हम करें। जिनके यहाँ व्याप अधिक हैं वे लोग रोते हैं और जिनके यहाँ व्याप नहीं हैं वे लोग भी रोते हैं। तब प्रश्न यह है कि सुख किस में है। क्या पैसा सुख देता है? पैसा कमाना कठिन होता है और मिल भी गया तो वह अपने पास सदा के लिए रहेगा कि नहीं, इसका विश्वास नहीं होता। पैसों की तरह अन्य बातों की भी स्थिति है। सभी प्रकार से सुखी ऐसा गृहस्थी में कौन है? हर एक को किसी न किसी प्रकार की शिकायत होती ही है। हर एक को लगता है कि आज की अपेक्षा मैं कल अधिक सुखी बनूंगा। वह कभी पूर्णतः सुखी नहीं होता और उसका शिकायत करना कभी समाप्त नहीं होता। गृहस्थी में जितनी भी वस्तुएं हैं सब नाश पाने वाली और दुखदायी हैं। इसीलिए गृहस्थी असत्य है, ऐसा अनुभव खुद गृहस्थी ही देती है। इस अनुभव से गृहस्थी में जो आसक्त नहीं होता वह सुखी होता है। गृहस्थी के अनुभव भूलकर जो आसक्त होता है वह दुखी होता है। सुख समझदारी में है और भगवान का हो जाना ही सच्ची समझदारी है। आज का मुख्य विचार, गृहस्थी अनासक्ति और आनंद से करना ही परमार्थ है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.